इस बार की केदारनाथ धाम यात्रा रुद्रप्रयाग जिले की महिलाओं के लिए काफी बेहतर साबित हुई है। जिले में संचालित महिला समूहों की आर्थिकी में इससे सुधार देखने को मिला है। इस वर्ष 16,53,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। केदारनाथ यात्रा से जुड़े विभिन्न महिला समूहों ने पिछले वर्ष लगभग 70 लाख रुपए का कारोबार किया था, जो इस वर्ष बढ़कर 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती के मुताबिक केदारनाथ धाम के लिए महाप्रसाद धाम का सोवेनियर धूप, चूरमा, बेलपत्री, शहद, जूट एवं रेशम के बैग और चारधाम के तोरण बनाकर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सरस रेस्तरां एवं आउटलेट, हिलांस कैफे एवं बेकरी संचालन के माध्यम से भी महिलाओं को आजीविका से जोड़ा गया है। इस वर्ष जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देश पे पहली बार यात्रा मार्ग पर दुग्ध विकास विभाग के माध्यम से आंचल डेयरी के 7 आउटलेट एवं पार्किंग भी खोले गए थे, जो महिला समूहों एवं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बेहतर विकल्प बनकर तैयार हुए हैं। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर, ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना सहित अन्य विभागों के माध्यम से जनपद में महिलाओं की आजीविका को सुधारने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला समूह गठित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।